हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस बनाता हूं, जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और कहां पे बाई कहां पे सेल करना चाहिए, क्या लेवल हो सकता है, क्या व्यू रह सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इन सब की हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, हमने जो प्लानिंग की थी कल के दिन में, मतलब कि आज के लिए, उसमें से हमारा कोई भी प्लान मतलब एंट्री नहीं मिली। सिर्फ बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट की एंट्री थी, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी निफ्टी में कोई एंट्री नहीं थी और बैंक निफ्टी में कोई एंट्री नहीं थी, तो कोई एंट्री मिली नहीं हमने जो प्लानिंग करी थी। लेकिन मैंने आपके लिए जब मुझे एंट्री दिखाई दी तो मैंने आपको दो बार शेयरिंग करी। तो एक आपका यहाँ पे मैंने डबल टॉप जो हमने प्लान किया था डबल टॉप का, तो वो निफ्टी में आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगा, लेकिन आप अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि डबल टॉप यहाँ पे बना था। तो ये डबल टॉप के फॉर्मेशन पे मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट कर सकते हो। तो ये छोटा सा आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो ये आपको लगभग 40-50 पॉइंट का टारगेट आपको मिला होगा। देन सेकंड टाइम भी आपको मिला था, दो बार आपको यहाँ पे गेन करने को मिला होगा। तो ये एक प्लानिंग थी हमारी कि जो कि डबल टॉप की थी वो सक्सेसफुल हुई, लेकिन जो हमारे लेवल्स थे वो एंट्री नहीं दे पाए बिकॉज प्राइस उतनी ज्यादा रेंज में नहीं पहुंची। और हमारी जो बैंक निफ्टी की प्लानिंग थी वो बैंक निफ्टी की प्लानिंग थी ब्रेकआउट पे बाइंग करने की। बेसिकली हमने ये कल का लेवल नोट किया था कि अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम बाई करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सिंपली ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे फर्स्ट लेवल का, देन उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आया, देन उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो। तो ये छोटा सा आपको लगभग मैं समझ सकता हूँ कि ये रेंज आपको मिला होगा 170 से लेकर के 240, तो 50 से 60 पॉइंट का ही रेंज मिला, बहुत ज्यादा नहीं मिला। तो यहाँ पे आपका हो सकता है स्टॉप लॉस हुआ होगा, अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो ठीक, मतलब अगर नहीं किया होगा तो दैट इज ओके कि उनका जो है कि सही रहा होगा। लेकिन ये ट्रेड बने नहीं उतने अच्छे, तो फिर मैंने कहा कि देखो कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर शेयर करते हैं आपके साथ। और फिर मैंने आपके साथ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर करी ये वाली अपॉर्चुनिटी, जो कि थी लगभग 12:32 पे। ओके, सो 12:32 पे मैंने आपके साथ निफ्टी बैंक का फ्यूचर का चार्ट शेयर किया था। और मैं आपको फ्यूचर के चार्ट के लेवल दिखा देता हूँ और 1 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम आपको साथ बताया था 12:32 पे। तो यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये क्या रीजन था। देखिए, तो इसमें हमने ट्रेड दिया था और यहाँ पे कहीं पे मैंने आपसे प्रॉफिट बुक करवा दिया, एकदम हाई प्राइस पे हमने प्रॉफिट बुक करवाई थी। प्रॉफिट बुक करवाया था मैंने लगभग यहाँ पे टारगेट हिट हो गया था 1:40 पे। तो 1:40 पे हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया था लगभग, एंड उसके बाद अप मूव था, तो कोई यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और मैंने फाइनल कंफर्मेशन दे दिया था 1:44 पे प्रॉफिट बुकिंग का। तो 1:44 मतलब ये थोड़ा सा डाउनफॉल का है, मतलब इसी एरिया में थी, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। देखो, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब मैंने मैसेज डाला तो उसके बाद आप लोग मैसेज देखते हो, फिर आप लोग करोगे यहीं पे, करोगे यहाँ पे, करोगे यहाँ पे, करोगे, तो ये डिपेंड करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मैसेज डाल दिया इसका मतलब आप तुरंत एक्शन करोगे। लोग एक्शन करते हैं, थोड़ा सा मैसेज देखते हैं, बाद में खुद अपना भी डिसीजन लेते हैं, तब उसके बाद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमने ऊपर के एरिया में लिया। और इसके अगर हम कॉल के प्राइस को देखें तो ये जो कॉल का रेट था वो लगभग अगर मैं देखूं तो सीधे ऑलमोस्ट 125 जैसा प्राइस ऊपर क्या था। एक डिसेंट मूव है, 100 रुपए का अगर प्रीमियम आप अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ले रहे हो तो देन दैट इज ओके। ओके, तो ये हमारी जो प्लानिंग थी, प्लानिंग में तो कोई एंट्री नहीं मिली, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई आप लोगों को मैं हमेशा एंट्री दूंगा, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ एंट्री दी। अब कुछ लोगों को दिक्कत ये रहती है कि उनसे कॉल पुट, मतलब वो चाहते हैं कि मैं कॉल पुट दूं। देखो, मैं कॉल पुट नहीं दे सकता, मैं एक ब्रोकर हूँ, स्टॉक ब्रोकर हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकता जो बाय लॉ के अगेंस्ट में, मतलब बेसिकली जो सेबी के लॉस के अगेंस्ट में है। तो आप मुझसे एक्सपेक्ट करिए मार्केट का व्यू और नॉलेज एक्सपेक्ट करिए, मुझसे कोई टिप की आप जो है कि एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मैं आपको ऐसा नहीं मैसेज डाल सकता कि ये कॉल बाई करो, इतने पे बाई करो, इतना स्टॉप लॉस होगा, इतना टारगेट होगा, ये बात यहाँ पे याद रखिए। हाँ, अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो फिर आप मेरे ब्रांच में अकाउंट ओपन कर सकते हो, मेरे क्लाइंट बन सकते हो, देन मैं आपको थोड़ा सपोर्ट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो फिर शायद ये मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे सही टाइम पे एंट्री जरूर बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, व्यू भी क्लियर कर देता हूँ। तो आप अगर छोटे मोटे भी ट्रेड करते हो, थोड़ा सा भी जानकारी है, तो आप समझ जाओगे क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे जब मैंने आपके साथ शेयर किया तो इसका मतलब है आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन परचेस कर सकते हो, क्योंकि व्यू बुलिश था बस। और जब आपको यहाँ पे टारगेट जो हमने दिया था, ये वाला टारगेट अगर ये आता हुआ दिखे तो उसी टाइम पे आप अपने कॉल ऑप्शन को भी बुक कर लो, ये भी एक सही ट्रेड था।
तो ये प्लानिंग थी हमारी बेसिकली आज जो हमारा ट्रेड हुआ और काफी अच्छा ट्रेड गया, सक्सेसफुल रहा मार्केट का हमारा डे आज के दिन। बट अब हम देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। तो सिंपली 100 पॉइंट से ज्यादा का हमने मूव कैप्चर किया यहाँ पे। अब लास्ट में मार्केट गिरा क्यों इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और आज मार्केट का सेंटिमेंट कैसा रहा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कल कैसा रहेगा इसको भी डिस्कस करते हैं, और क्या ट्रेड करना है उसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी देखिए लास्ट में जो सेलिंग आई ये एक्चुअली में एक तरीके से अननोन सेलिंग थी, ये बेसिकली यहीं से सेलिंग आई और एक्सपेक्टेशन थी कि जो यहाँ पे बाई हुए हैं वो थोड़ा सा बुक करेंगे प्रॉफिट। ओके, और यहाँ पे ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो करंट जो पोर्टफोलियो मिला है मिनिस्टर्स का उसमें से कुछ ऐसे नाम है जो मार्केट को नहीं पसंद है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज वो चीज़ थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आप अपने लिए होशियार हो आप समझ सकते हो। तो आई थिंक मार्केट को कहीं ना कहीं वो सुगबुगाहट हो गई थी, दिस इज वाई मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट पूरा करेक्ट हो जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो बस खरीदना है, याद रखना बस खरीदना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ खरीदना है, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, सिंपल फंडा याद रखो। ओके, तो ये तो हो गई खैर इन्वेस्टमेंट की बात, लेकिन मार्केट में क्या था सिंपली वही चीज कि प्राइस एक्शन बुलिश था और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था, और यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। बट उतनी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी कि मार्केट को बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करवा सके। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हुई, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा पैनिक था, और ये चीज हमने कल भी डिस्कस किया था बिकॉज हमने जो कल डेटा देखा था बैंक निफ्टी का वो ओवरऑल डेटा जो था वो बेयरिश था, तो हमें याद होगा डेटा। और आपसे मैंने प्राइस एक्शन का लॉजिक भी समझा था कि अगर नीचे जाने लगेगा तो सेलर्स और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और वही चीज यहाँ पे देखने को मिली। तो इन सब चीजों को नोट करके रखा करो, चीजों को समझा करो, और इन सबको अच्छे से अंडरस्टैंड करके फिर ट्रेड किया करो। ओके, तो ये प्राइस एक्शन था। मार्केट जो है कि आपका बेसिकली पोर्टफोलियो की वजह से, बेसिकली जो मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो उसकी वजह से थोड़ा सा सेटबैक दिखा रहा है, बट उतना ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। और आज के दिन जो डॉलर इंडेक्स है वो भी बढ़ा हुआ है, तो आप यही क्या ही कर सकते हो। अगर डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ा हुआ है, तो मार्केट आपका थोड़ी से पैनिक में तो आएगा ना, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे कि कल क्या कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, नॉलेज आपको मिल रहा है, तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब भी पूछ सकते हो। चलिए अब सबसे पहले डेटा देखते हैं। तो डेटा हमारे पास जो दिख रहा है, बैंक निफ्टी नहीं बल्कि निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का हमारे पास डेटा जो है वो यहाँ पे कॉल ओआई अब ज्यादा हो चुके हैं, बेसिकली आज के दिन में राइटिंग हो रखी है। हमने कल जब देखा था तो याद होगा आपको पुट ओआई ज्यादा था ओवरऑल, बट आज ओवरऑल कॉल ओआई ज्यादा है, दैट मीन्स आज के दिन में बेरिश पोजीशन बनाई गई है। और अगर हम यहाँ पे इंट्राडे चेंज को देखें तो वहां पे भी बेरिश पोजीशन बनाई गई है, तो हमारे लिए डेटा जो है आज के दिन में बेरिश हो गया है। कल भी हम बेरिश का व्यू बनाएंगे बिकॉज डेटा हमें वही दिखा रहा है। सपोर्ट देखें तो 23,000 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 23,300 का दिखाई दे रहा है, और 23,500 का तो स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा है। तो 23,500 का तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, 23,300 का भी है रेजिस्टेंस, और 23,000 का हमारे पास सपोर्ट है। तो 23,000 का सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए वरना फिर मार्केट में और सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो डेटा दिख रहा है वो बेरिशनेस का दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। प्राइस एक्शन जो हमारे सामने है वो एक तरीके से, ये एक तरीके से इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट में जब भी कभी एक अपवर्ड रैली आती है, अपवर्ड रैली के बाद अगर मार्केट ऊपर के एरिया में कंसोलिडेट करे और वो थोड़ा सा नीचे आने का ट्राई करे तो इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन के बाद हमारा जो रूल होता है वो दो रूल होता है, हमें ब्रेकआउट देखना है या तो हमें ब्रेकडाउन देखना है। अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है तो एक नए फ्रेश रैली यानी कि बुलिशनेस की तैयारी होती है और वो रहती है और वो कंटिन्यू भी करती है। लेकिन अगर उसी एरिया में ब्रेकडाउन हो जाए, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए, तो यहाँ पे आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपका गिरने का रहेगा। गिरने का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, वो छोटा मोटा टाइम फ्रेम है, तो आपका एक दो दिन के लिए मूवमेंट हो सकती है। तो प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने पे बुलिशनेस और ब्रेकडाउन होने पे बेरिशनेस का हम ट्रेड करते हैं, यही एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये तो फिलहाल हमें प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है और डेटा भी हमें दिख रहा है, अब हम ट्रेड कैसे करेंगे। देखो ट्रेड करने के लिए है ना, मार्केट को ये जो सपोर्ट है ना इनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर आज का लो जो ये बना है, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, और आज भी सपोर्ट ले रहा है, अगर कल फ्लैट ओपन हो करके या तो फिर थोड़ा सा ऊपर हो करके नीचे जाए और इस एरिया को ब्रेक करे जो कि 23,225 का है, तो अगर 23,225 ये कैश का लेवल है, नोट करिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं जो लोग नए हैं जुड़े हैं उनको बता दूं, आप लोग ना यहाँ पे एक बॉक्स होता है इसको लिख कर ऐसे करके लिख दिया करो, ओके, क्लोज होने के बाद ऐसे लिख दिया करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको ऐसे लिख दिया करो। इससे ये होगा कि आपको
याद रहेगा और आप कंफ्यूज नहीं होगे कि क्या करना है। तो सिंपली नोट करिए, हम इस लेवल के जो कि 23,225 है, इसके नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करके नीचे क्लोज होने का वेट करेंगे। अगर वो नीचे क्लोज कर जाएगी तो हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, ऊपर थोड़ा सा जाने देंगे, देन उसके बाद हम सेल करेंगे कोई सेलिंग का रिवर्सल देखने के बाद। और यहाँ पे सेल करेंगे तो हमारा पुट ऑप्शन हम बाई करेंगे, या तो फिर हम कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं या तो फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक। उसके बाद हाई क्या रहेगा स्टॉप लॉस, तो यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो कि 300 का है, 23,300 का स्टॉप लॉस है। और टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 23,125 का, 130 का, 125 का और 120 का। यहाँ पे हम दो टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये हमारी पहली प्लानिंग हो गई जो कि हमें सेलिंग के बेस पे दिखाई दे रही है। दूसरी प्लानिंग हमारी क्या है, दूसरी प्लानिंग यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, तो इसी एरिया में सेलिंग प्रेशर देखने को वापस से मिल सकता है। तो हम सेल भी करेंगे सेल ऑन राइज के बेस पे, जो कि हमारा प्लानिंग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अगर हमें कल 23,355 से लेकर के 23,376 यानी 376 यानी 375 ले लो, सो 355 से 375 तक हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे आने के बाद कोई सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा तब हम शॉर्ट करेंगे, आप यहाँ पे याद रखिए। और सेल जब करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 410 के ऊपर का, टारगेट हमारा जो हो जाएगा सीधे सीधे यही वाला आज का लो, और थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये 160 का टारगेट आ सकता है। तो ऊपर से सेल करना है, नीचे ब्रेकडाउन होने पे सेल करना है। अब बोलोगे सर जी बाई करने के लिए क्यों मना कर रहे हो, बाई करना है ना, कौन सा टेंशन है, मैंने आपसे बताया नीचे जाने पे बाई करना है। तो हम बाई करेंगे अगर हमें लेवल मिल जाएगा ये वाला, बाई भी करेंगे ना, कोई टेंशन नहीं है। हम बाई करेंगे 23,085 से लेकर के 23,025 तक, लेकिन यहाँ पे आने देंगे कोई भी एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश रिवर्सल कैंडल बनने देंगे, देन उसके बाद हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो रहेगा, टारगेट हमारा हो जाएगा 23,160 और 23,200 का। तो ये दो प्लानिंग हम लेकर के ट्रेड करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी में। बैंक निफ्टी का डेटा देख लें, तो बैंक निफ्टी का डेटा हमें याद था कि जो कल के दिन टोटल डेटा था वो बेरिश था और इंट्राडे का डेटा बुलिश था, बट आज के दिन भी टोटल डेटा बेरिश है और इंट्राडे का भी बेरिश हो गया है, मतलब कि दोनों साइड में सेलिंग हो रखी है। अब बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं तो इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे सेल करेंगे सेल ऑन राइज के फॉर्मेट में और बाई करेंगे बाय द डिप के फॉर्मेट में। हम सेल करेंगे ये जो हमारा सेलिंग का लेवल है 50,025 से लेकर के 50,100 तक का, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, कोई सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 130 का हो जाएगा, 130 का, और हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 49,700 का, मान लो 49,700 का, एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 630 का, बट मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा नीचे जाएगा। सेम यहाँ पे भी चीज क्या है, अगर ये लेवल ब्रेक पर, इसके लिए तो यही वाला जो हमारा कल का प्लानिंग था वो भी अभी तैयार है, तो ये जो लेवल है इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होगा तो हम शॉर्ट करेंगे। तो सिंपली 575 है, सो 575 के नीचे कैंडल क्लोज होगी, देन उसके बाद ऊपर जाएगी। तो याद रखना जो पुल बैक होगा, इसको याद रखना, जो इसका पुल बैक होगा वो थोड़ा लंबा जा सकता है, तो तुरंत मत शॉर्ट करना, ये थोड़ा ऊपर जाएगा देन वहां पे कोई सेलिंग की रिवर्सल बनेगी, यानी कि एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जैसे यहाँ पे देखो बनी है, यहाँ पे भी एक बनी है, देन आप शॉर्ट करोगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उसका पुल बैक आएगा, पुल बैक छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, तो इस एरिया पे आने आएगा, मतलब वो 49,800 तक आ सकता है। यहाँ एरिया से सेलिंग का रिवर्सल देखने के बाद शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस जो होगा उसी का हाई, और मतलब वो जो रेजिस्टेंस बनेगा उसका हाई, और टारगेट आपका सीधे से हो जाएगा 49,500 का, 400 का, ये बात आप मान के चलिए। तो ये दो प्लानिंग हमारी है सेल और राइज की। बैंक निफ्टी में बाय द डिप का प्लान अभी मैं नहीं दूंगा, बाय द डिप के लिए अगर मुझे दिखाई देगा कोई प्राइस एक्शन तो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करूंगा विथ प्रॉपर कैश के डेटा के साथ, या फिर फ्यूचर का डेटा होगा तो आप उसको देख करके ट्रेड कर सकते हैं। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की प्लानिंग है कल के लिए। अब अगर हम पूरे मार्केट को देखें तो थोड़ा सा हो सकता है सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बट उतना भी दिक्कत नहीं है, हमें बाई करना है बिकॉज हमारा मार्केट बुलिश है, और ये छोटे मोटे करेक्शन है मार्केट में, छोटे मोटे करेक्शन आएंगे जाएंगे, और आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। एक छोटी सी अपडेट है, आप लोग अगर मुझसे सीखना चाहते हो और मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको जानकारी दे दूं, हर बेसिकली 2 महीने पे मेरी क्लास चलती है, और आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो हर महीने आप मतलब बेसिकली आप ज्वाइन कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सिर्फ वही बैच ज्वाइन करिए, बिकॉज आपको आप किसी भी बैच में कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास बेनिफिट ये होता है कि मैं हमेशा अनलिमिटेड टाइम्स अटेंड करने की परमिशन देता हूँ। तो सिंपली अगली बैच जो है वो 20 अगस्त से चालू होगी, आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे पॉज कर लीजिए, यहाँ पे मैं इन चीज़ों पे डिस्कस करूंगा, देन इसके बाद आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। बेनिफिट जो है यहाँ पे आप ये पॉज करके पढ़ सकते हैं,
और क्लासेस की टाइमिंग जो है 9 से 10:30 बजे तक रात को चलेगी, 10:30 तक चलेगी, ये 10 बजे तक क्लास चलती है, उसके बाद आधा घंटा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। 5,000 रुपए फीस है। आपको अगर ज्वाइन करना तो आप सिंपली इस नंबर पे गूगल पे या फोन पे करके स्क्रीनशॉट के साथ नाम, सिटी और ईमेल आईडी भेजेंगे तो आपको सेंड कर दिया जाएगा, ईमेल आईडी और भेज करके ऐड कर दिया जाएगा। आप पहले मेरी ये वाला वीडियो देखिए, सिंपली आप अगर होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, पूरी क्लास के बारे में डिटेल दे रखी है, तो आप इसको वीडियो को जरूर देखिए, इसके बाद आप पूरी क्लासेस के बारे में समझ जाएंगे क्या क्या सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन करिए। और मैंने आपके लिए काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप अगर वीडियो सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप बहुत से मैंने वेबिनार्स बना रखे हैं आपके लिए, और मैं हमेशा टाइम पे आपको हमेशा बताता हूँ कि क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं बुलिश मोमेंटम के लिए, यानी अब बुलिश ट्रेड करना है, मैंने आपको 2 महीने पहले ही बता दिया था। साथ ही साथ आप मुझे जो भी स्टॉक देखोगे तो मैं स्टॉक आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पर जाकर एक स्टॉक के नेम सर्च करिए और ज्वाइन करिए। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।